सशक्त टीम है तो उतने आसानी से दोनों टीम गोल नहीं होने, लेकिन इस फुल बैक ने काफी प्रभावित किया है टीम के कैप्टन जर्सी नंबर 3 संतोष ने। और इसी बीच नाना गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, बहुत ही सुंदर गेंद को ड्रिबल करता हुआ हल्का सा हाफ लाइन के खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 के लिए बैक पास किया था और रूपलाल टुडू, लेकिन इसी बीच रूपलाल ने बैन को एक बार फिर से आगे शेयर किया है गेंद को, लेकिन देखना है यहाँ पर अनिल किसको संभवतः वहां जिस तरह से गेंद को टैकल करने के लिए अपने हाथ का प्रयोग किया था और मैच रेफरी उन्मेष दास ने बहुत ही सुंदर तरीके से वहां विसिल बजा दिया, लेकिन इसी बीच में एकमात्र हैट्रिक दागने वाले खिलाड़ी और दूर से किया गया शॉट, लेकिन बिट्टू किसको गोलकीपर टुडू ब्रदर्स एफसी बुदिकोला कालदो के गोलकीपर और बहुत ही सुंदर जमन में लुढ़कते हुए गेंद को उठाया। और इस बार देखना है वहां पर रूपलाल का पास संजय के लिए और संजय यहां पर देखना है आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी के पोजीशन को ढूंढते हुए थ्रू पास बढ़ाया, एक बार पीछे मौका बना सकते हैं, एक बार पीछे बहुत ही सुंदर उमेश बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया है। और वास्तव में उमेश ने इस मैदान पर शुरुआती मैच से लेकर अभी तक में काफी प्रभावित किया है और देखा जाए उनका हाइट ज्यादा नहीं है लेकिन स्किलफुल खिलाड़ी है। एक बार पीछे उमेश बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया जरूर, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सुरजीत उराव ने उनकी कोशिश को विफल किया। और फिलहाल यहाँ पर क्लेमेंट जोजो गोलकीपर पर 15 नंबर स्थान पक्की करेगी। और फिलहाल देखना है यहाँ जर्सी नंबर 6 पहने हुए जमुना उराव और संतोष आपस में रणनीति बनाने के बाद देखना है किस जगह पर शॉट लगाए और डायरेक्ट हिट के जरिए, लेकिन निशाना गलत, दरअसल वो डायरेक्ट हिट के साथ गोलकीपर को वो टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कोई खतरा नहीं अभी भी इस दूसरे हाफ का मुकाबला। निश्चित रूप से दोनों टीम के खिलाड़ी की कोशिश रहेगी कि मैदानी गोल हमेशा सुरक्षित गोल माना जाता है और अपने ओपोनेंट को यहाँ दबाव में लाने के लिए आपको मैदानी गोल का एक रणनीति अख्तियार करना होगा। लेकिन इसी बीच में वहां पर जर्सी नंबर 2 पहने हुए खिलाड़ी आगे की ओर गेंद को बढ़ाया था, लेकिन इसी बीच में फॉल का वहां पर संकेत हो चुका है। फ्री किक के लिए मौका एनएफसी मांडर रांची की टीम लगभग लगभग सेंटर चैनल से एक शॉट के लिए, देखना है मध्य लाइन से कहां शॉट लगाएंगे। और टीम के कैप्टन एक बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे कैप्टनसी का अच्छा भूमिका निभाया है। और इसी बीच लंबी पास लोपिंग शॉट के जरिए, हालांकि एक बापी से यहां पर रिबाउंड शॉट में सेकंड बॉल बनाने के चक्कर में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर गेंद को अपने क्षेत्र से वहां इंटरसेप्ट करने की कोशिश में प्रयास में वहां पर सफल हो गए और अच्छा पास वहां पर एक बापी से गया, लेकिन यहां जर्सी नंबर 4 खड़े खड़े गेंद को हवा में उठा दिया है सुरजीत उराव ने। और एक बार फिर से यहां देखना है इस समय कालदो के गोल एरिया में धीरे धीरे आंशिक रूप से खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यहां बचाव पर पूरी तरह से मैन टू मैन मार्किंग की है और आगे जाने से रोका जर्सी नंबर 2 पहने हुए खिलाड़ी। और अभी भी दोनों टीम स्किल स्पीड और पूरे स्टेमिना के साथ खेलते हुए अभी भी दोनों टीम के खिलाड़ी को और ऊर्जावान होकर के खेलना होगा। और यहाँ संजय लंबी बॉल अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां पर बॉल को जिस तरह से बढ़ा दिया था, हालांकि यहाँ सुबीर गेंद को हेडर के जरिए गेंद को लेने की कोशिश, मगर यहाँ जर्सी नंबर 14 के ऊपर में जिस तरह से 14 नंबर जर्सी पहने हुए दिली उराव और उनको जिस तरह से हाथ पर खींच कर रोकने की कोशिश किया गया था बकायदा रेफरी का, कुछ भी परिणाम निकल सकता है। और एक बार फिर से शॉट के लिए जर्सी नंबर 6 पहने हुए खिलाड़ी और जमुना उराव, माफ कीजिएगा, 11 नंबर जर्सी पहने हुए राम कुमार उराव ने शॉट लगाया था, लेकिन इस बार भी निशाना चूकता हुआ। अब चूंकि यहाँ पर फुटबॉल के अनुकूल मौसम और दोनों टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से इस मुकाबले में बॉल कृपया करके देने की कोशिश करेंगे, दर्शकों से भी अनुरोध होगा कृपया करके आप लोग कृपा करें, अगर आपके अगल बगल अगर गेंद चली जाती है तो आप फील्ड की तरफ गेंद को बढ़ा देंगे। और इसी बीच में एक बदलाव का यहां पर संकेत आता हुआ जर्सी नंबर 9 पर एक बड़ी कामयाबी का भी कारण बन सकता है, लेकिन ये कामयाबी टीम के किस्मत पर कितना ज्यादा वो बदलाव लाएगा। इसी बीच में गेंद को रोकने की कोशिश, चेस्ट डाउन किया वहां पर
और लंबी डिलीवरी बॉल के लिए साथी खिलाड़ी देखना है, वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। और इसी बीच संजीव बावरी एक बार फिर से यहाँ पर मौका बना सकते हैं, लेकिन टीम के कैप्टन संतोष ने कमाल का अभी तक डिफेंडिंग अपने क्षेत्र के से। और इसी बीच जमुना अच्छा पास साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन पूरी तरह से पोजीशन महावीर कवर कर चुके थे। बड़े बेहतरीन जजमेंट है मनोज दा, एक चीज मुझे अच्छा लगा है कि महावीर का जजमेंट बहुत ही सुंदर और प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ एक्शन के लिए जो एक रिएक्शन टाइम काफी फुर्ती से वो पहुंच जाते हैं। बड़े स्किलफुल खिलाड़ी है महावीर, बिल्कुल औड़ी सौड़ी एकदम महावीर बनो तैयार मेन क्या चाहे खतरा का खतरा बनो रहो जहां तक खतरा मिना रहो भी एक दूसरे खिलाड़ी जिसके चलते हमें मेंदाड़ी किया मुया हेडर के साथ साथ हर चीज उसका स्किल बिना जो तो गड़ी स्ट्रांग इंजन थे और रांची की टीम से अगर देखा जाए डिफेंस लाइन पूरी तरह से बहुत ही सुदृढ़ नजर आता है। इसी बीच यहाँ पर संजीव बावरी का पास, एक बार फिर से बावरी को यहाँ पर रिलीज बॉल देखना है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। यहाँ पर गोल पोस्ट के फ्रंट से आक्रमण करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन गेंद को वहां कनेक्ट नहीं कर पाए और देखना है गेंद को नहीं। जी हाँ, गेंद को आगे प्लेस कर दिया और यहाँ पर पूरी तरह से गोल पोस्ट खाली था, गोल कीपर आगे निकल गए थे। थोड़ा गाना भी से बोलो लिखा बनाए दस शानदार गोल हुई हुआ अरे कल फ्री नुका चिदा जे समीर कोई नुआ मैच में इनाना मैच में उसका हैट्रिक ले और नुका की नुए धाव मौका बनाओ दाल और शानदार नुआ जजमेंट होता है कदा हालांकि नोड़े किस्मत रिया साथ नोड़े पिजाम के दाल नोड़े कल दो टीम बिल्कुल गोल कीपर अपना कलेजा थप थप काबल ना उना धक धक नहीं ठंडा का ते बवारे एकदम गोल जो किया। और इसी बीच में एक कॉर्नर किक लेने के लिए मौका मिलता हुआ देखना है जर्सी नंबर 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रूपलाल टुडू अच्छा अभी तक इस मुकाबले में अपना योगदान देते हुए बहुत ही सुंदर पेनल्टी बॉक्स के अंदर अभी भी खतरा पूरी तरह से टाला नहीं है। दोनों पक्ष के खिलाड़ी आपस में इस समय गेंद को छीनने की कोशिश अटैकर की, लेकिन थोड़ा सा वहां पर एक बार फिर से मामला बिगड़ता हुआ और एक बार फिर से देखना है इस समय देखना है मांडर रांची की टीम अपने हाफ से गेंद को एक बार फिर से सुरक्षित गेंद को आगे खेल दिया है और इसी के बीच में एक बार फिर से गेंद पूरी टच लाइन से बाहर निकलती है। बहुत ही सुंदर ग्राउंड मैदान की सतह की बात करें हरे हरे ऊंचे ऊंचे घास से लबालब भरा हुआ ये मैदान और मैंने सुबह भी कहा है कि ये ग्राउंड में आकर के इस ग्राउंड में खेल करके आपको एक अनोखा यहाँ पर एक अलग तरह का फील होगा और आपको लगेगा कि आप कोई एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मुकाबला को देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर जिस तरह से नई दुल्हन की तरह इस ग्राउंड को सजाया गया है और पूरी छोर में जिस तरह से इस बजर सोरेन स्पोर्टिंग क्लब काटीबरी गौरीपुर के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में जितने टीम पार्टिसिपेट किए हैं प्रत्येक क्लब का प्रत्येक टीम के क्लब का वो जो झंडा आप देख रहे हैं इस समय पूरी छोर में जिस तरह से मन बंद लहराता हुआ और बड़ा ही इस ग्राउंड को का जो शोभा है और ज्यादा बढ़ाते हुए। इसी बीच में एक बार फिर से थोड़ा सा वहां पर सही जजमेंट प्रेजेंट ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल किया और एक बार फिर से महावीर अपने हाफ से गेंद को सुरक्षित निकालने की कोशिश रूपलाल से भी चूक हुई और तुरंत ही वहां पर गेंद आगे की ओर छिटक गई है और जमुना उराव गेंद को सप्लाई किया है देखना है 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी गेंद को सही तरीके से दिलीप उराव लेकिन यहाँ पर संजय लगे हुए हैं अपने हाथ से गेंद को सुरक्षित निकालने के लिए। दरअसल दोनों टीम के हाथ ने काफी प्रभावित किया है मनोज और निश्चित करी मैं दोनों टीम की यही मैंने एक बड़ा सराहनीय काम देखा है कि जितने ज्यादा वो फॉरवर्ड में तेज खिलाड़ी को उतारा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ डिफेंस लाइन दोनों टीम का बहुत मजबूत है पूरे सूझबूझ के साथ खेलते हुए और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि कोई टीम उतना नजदीकी मौका बना नहीं पाया है। हालांकि एक बार फिर से यहाँ पर मौका हो सकता है नेट के ऊपर शॉट तो लगाया और क्या है नेट में गिर जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर छोटा सा वहां पर जैसे ही एक गलती हुई डिफेंस लाइन से और उसका यहाँ पर भरपूर फायदा मिलता हुआ और इस तरह से इस दूसरे हाफ के खेल में टुडू ब्रदर एफसी बुदिकुला कालदो की टीम ने आरोंका की नकेल बना संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर रे बना किया बोले नुनो में जने चला काम जना बांग बांग तक ही गोल नडी रही बाको मैं ना सरी कथा कर गया खैर जो
निश्चित रूप से नोडे हौसला बुलंद किया मेनखा नोडे गोल वापसी लगी थोड़ा गान कटिक में छाउडे जल्दबाजी रे आ निया बीच रे यार हो 15 नंबर विपक्ष पंक्ति को पूरी तरह से चीरते हुए पेनल्टी क्षेत्र में गेंद को अंदर एक बार फिर से झोंका है। लेकिन यहां पर आखिरी वक्त में नाना ने कुछ क्षणों से किले खतरे को टालने में कुछ हद तक सफल हुए। लेकिन एक गजब का यहां पर दोनों टीम के खिलाड़ी के पास यहां पर ऊर्जा देखने को मिला और एक गोल ते नोडे जैसे कि बढ़त बनाना नोडे मनोज दत्त नवा सेकंड हाफ रिया मुकाबला रिया का रोमांच कना का स्पीड कना आरो बढ़ाओ कना आ नवा मैच निश्चित रूप से बड़ा टीम नवा सारे कना समय अड़ी जबरदस्त की हती आइए मनोज दत्त बिल्कुल बरना दिखता है मैंने लगा एकदम ना ना करके ही गोल हो गया ना ना करके ही प्यार हो गया मिटे सीरीज में और आज दिस किदा चलिए नो नाना गोल रे बदल जरूर है मन कर नडे अनिल किसको जादू झेल जा गेंद कोम की पड़ा करा लेकिन फिनिश ज्यादा फिनिश था उनारे मतलब गोल सिर की छाप आया था जस्टिन ने बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड बढ़िया रिकॉर्ड बना दिया नोआ टंडी दिया का गरम और नरम ने तुनुम चमचम काठे गरम बिना और काठे ठंडा ना उना अनुपात की वार और सफलता है चलिए अड़ी मोहित मैंने कहा इनको आराम बरसी वाला डेंजर नको हको रुवर दड़िया करना बसरते आम दोबारा उड़बा चला मैं उमेश ये तो बनी खिलाड़ी खिलाड़ी के नाम हुई ये लेबु तीनों बढ़िया रन बनावा था लेकिन नोते कोई संतोष जैसे कि तुषार जी नान ने जिक्र लदा लो खिलाड़ी बाबते ये थबित कर डिफेंस लाइन में ने लिखा अड़ी मोस्ट जाएगा ठीक है लेकिन उन्हें नान गुड मेल का नाथ की गोल चुकीदा चलिए डी बीच भी तो नोड़े किसकूटे बॉल बिना 13 नंबर ओहो सेवा उमेश भाई ओ नुआ को मितावा हो चटकदार शॉट लेकिन रेफरी अब यही होड़ी जोश करते हैं हड़ी बढ़िया नहीं ना चटरदाग शॉट करते हैं उन्होंने हैंड ते गेंद रुकारिया जी ने कोशिश की था अरे मितावा इकना बेटा जान जोश करते दो इकना 10 नंबर दीपक ये तुम करते हैं दीपक जरेत में जर्सी नंबर 2 अचूर में अचूर कदाई लेकिन होता है कौन अड़ी बढ़िया बचाओ अब की बार ठीक है अंदर रे बता लता दे ओहो नोडे मिस खान हरा जर्सी का मौका प्रदान किया हूं वाह जर्सी नंबर 10 हदरदा को तने दीदा अनिल किसकू अड्डी रिक्स बॉल नाना ओहो नाना बॉल आ नार के मेरे थन हुई मुगो वाली मजे रुगो दा वाह इन प्रतिदा एकदम खंटूड़े निका अरे अड्डी बड़ी लेकिन बाल वाले बचाओ इस बीच हिट के माध्यम से गेंद लहासे दिया ग्रुप टूर है आरा जर्सी वाले टीम 17 नंबर पे लेकिन 11 नंबर सुनील मैन में अगर हम अरवण लाइन में खिलाड़ी गोले दम खाए कोड़ाम चढ़वा कान तक आप रक्षा पंक्ति हाफ टाइम हो चुका होगा ना आधा लगभग बस जो टाइम है हुई ना होना इतने नेक्स्ट मुकाबला पुड़िया हाट राजवीर पुड़िया हाट बनाम वायस गोड्डा अबेन तैयार बे तहन माई सी 14 नंबर गोल गोल कते की बाय गोल दाड़ी दा दिल्ली उराव कोई खतरा बात थोड़ा गान तालमेल की आवश्यकता थोड़ा गान गति बढ़ाओ या आवश्यकता खासकर मांडर रांची रेल का टेन अभी बढ़िया है थे वो कदा 14 नंबर लग लेकिन 14 नंबर काफी तायो में तह का निकलते गोलकीपर बिट्टू किसको अच्छा कलेक्शन हुई ना रंकी दिशा कोई बाहर ते चला काम है रहो नो बॉल समय को बचाते हुए नो डी बजे कलेक्शन करा 12 टे बॉल चलाओ करा जरे में 12 एड़ी के माध्यम ते बैक पास आयरन साथी खिलाड़ी महादेव हेमराम लगे महादेव हेमराम अड़ी गजब नाना लगे सरकाओ करा जरे गुण नाना गजब का पास लेकिन इन की बढ़िया बैकअप 2 नंबर गेंद लहाते गति तुम छोटे बॉल छोहरा दरदा को खेलने वाले खिलाड़ी का है अड़ी मौज मिडफील्डर को रुकिन खिलाड़ी
तालमेल अभी सुंदर बनाओ का देखना आठ नंबर बॉल कंट्रोल करा जलाए बुनो आठ नंबर बीच ले डलाओ का 15 लगे 15 के बाद तो 10 लगे 10 जलाए बुनो अति बढ़िया रात्रा दाव करते दीदा गैप पे पांच दाड़ी करा सब लेकिन जी नहीं गैप रे माय पांच दाड़ी था अनिल किसको थोड़ा गान बोले होले तीन को खाई आज माय बोले कर की लेकिन थोड़ा गान इन्हें नखा कोई बेहतरीन है तीन को खाई गोल अच्छी दाड़ी चले अड़ी मार लता लता ते पास हुई क्या ना ब्रदर लग संजीव उरांव 10 नंबर फिर से गेंद के पीछे रहे लेकिन उतने कोई आर हो चटक शॉट करने वाले खिलाड़ी चटकदार शॉट संजय चला मैं बॉल कंट्रोल अडी मत मांडर थे मांडर राइट आउट लगा ती का दिया जले वो राइट आउट बॉल कंट्रोल करा लेकिन आई बाय कंट्रोल लेना जिसके चलते ओपनर टीम रन खिलाड़ी थे बॉल चलाओ ना 3 नंबर महादेव हेमरा नौ मैच रहे काफी प्रभावशाली प्रदर्शन रहे नाना हम किसी से कम मांग गेंद हमारे ला रहा था नोडे अजीदी रिया 13 नंबर मौका एम को दिया लेकिन रीच थाने थे उगदा संतोष अरे गड़बड़ाओ कदा ओहो हो हो भिसील बजाना पॉकेट सूता हो उडुमा ऐसे चिकाया उडुमा यार बच्चे हो आई कना कचू में बेटा यार बढ़िया मिला कना जो में बेटा 15 संजय हस्ता की गाल मरावदा छी दिखाते नो शॉट लंग रिलीजा उकाल गाल थेया उना की गाल मतावदा फिलहाल संजय हस्ता की खेल गने चलाओ कना तेरे जरिए भैया तैन तैन इस बीच स्विंग शॉट गोल हो गया पूरी संभावना लेकिन अनिल किसको तोड़ दिले किया है मगर लाइन ते दोई दिखे दा लहर को कीपर बोले अथवा के निकते बोले के राज अच्छी वाला फिर से राज बताओ कते कूदी केदा लंबा कती केदा लंबा गति फायदा मांग हुआ अच्छा जे आम इन सगी जम गति अब इटा होटे गेर चला दिया संभावना तह कना लेकिन खराब पास अब की बात 7 नंबर अड्डी बढ़िया पोजीशन पर बारिया खिलाड़ी कच करते कटा के किन और कटी मैच पास बैक पास के रूप में बढ़ाओ कदा कल दोगी कल दोरन टीम अट्टी झिल्ली ये प्रयोग करा मैंने खान फायदा बाद में जे ओपनर टीम ने खिलाड़ी उन्होंने बोले अटाओ ना रांची दे लेकिन कोई ज्यादा फायदा बांग नहीं ले रहा थोड़ा गन गेम रे थिमिपन येलो कना आरना थिमिपन रिया कारण पसे चो डिफेंस रे खिलाड़ी उका अक्वा कमी कना उना कमी बखूबी को निभाओ दा पूरी तरह मैंने कहा अगर नौका की गति चलाओ दी ना मैंने कहा आसानी ते कल दो रन टीम विजय श्री को हासिल सेमीफाइनल रे चला वाला पहली टीम को बना बना इस बीच 13 टे बॉल लेकिन 13 बॉल छक्के हो चुका था तुड मत अरे कुरु मटो को दर्द पास मत कुरु मटो लेकिन उका मी को कर्ज ना उना कर्ज बापु सुल्लाड़ी का दा रांची रे वाह वाह खड़े कर लेकिन गति बनात लो लेकिन रिफ्लेक्ट ओके राइट आउट रन खिलाड़ी क्या पुनोरिया चेस्टर की 4 नंबर लेट का दाए लेकिन लेट करते से साड़ी क्लास से बाय से दरे करना हालांकि 15 नंबर मौजूद मिलाया गेंद अचूक दाड़ी क्लास से बाय चू दरे करना लेकिन उनका लगा थे गेंद खता उनको पारोम के बाय पारोम चू दिया नतीजा गोल किक जमा रे ओते गुजाम की दा बुद्धि गुड़ा कल दो एक गोल जब जिस शून्य गोल दिया स्कोर रे मेरा को मांडर रांची समय के हिसाब से मेल खान ये तभी ते चीज को बन चुका होगा ना बनार लग ऑप्शन में ना बनार लग लहाते चला रहा है वक्ते में ना खासकर वापसी भी बेहतरीन मौका हुई रहेगा ना रांची लग लेकिन फिर से लंबा की के जमा खुदा नील की स्कूल के लेकिन उसको बांग पड़ा खुदा एक बार बड़ा खिलाड़ी पड़ा होगा ना 13 नंबर अच्छा तेज रन उड़े गुंदा कर दिया आसान मौका लेकिन कलेक्शन से लेकिन बढ़िया वाह वाह गोलकीपर जबरदस्त टाइम इतना शानदार टाइम ना हालांकि